बोलते हैं हिंदी मेरी भगत है, लेकिन कहने में साढ़े कहीं भी गल करें ना, सू भी पूछन भाई तुम्हारा की इशू है महाराज, अस भी घरों काम करने ना। रोकया तुम्हें रोकिया इस करके एक बार इन्हें बोले अगे जान दो, मैं सर सवारी गल कराया, गल कर लिया तो अगर मनती है बैठ दी है, अगर एग्री होंगी तो ठीक है, नहीं होंगी तो चली जाने वापिस, वो की इशू है। कुछ नहीं किया, चाबी हुई लिया, देखो चाबी हुई थोड़ी हुई, ये मतलब क्या है क्या इनको भी परमिशन है ना इसी रोड पे चलाने की? नहीं रोड पे जाते नहीं है। आपके पास परमिशन है? मतलब 25 साल हो गए, 25 साल के रोड पे चला, मतलब ई रिक्शा के लिए रूट नहीं है, रोड ने दिया जाते नहीं रोड पे अपने, थोड़ा ई रिक्शा रूट नहीं है हमारे, रूट केड़ा रूट है, अस चलने स्टेशन ऊपर, सानू तो किसी ने रूट दसया ही नहीं है। अच्छा कोई रूट नहीं दसया, इरपल गाड़ी दसदा ऊपर मर्दी वैल्यू है, और मर्दी लड़ाई दा हल देखो सर, लड़ाई दा हल नहीं हुंदा, यात्रु भी बाहरों आए, लड़ाई दा हल नहीं हुंदा, रात भी लड़न आ गए। मेरी गल सुनो, तुहाडा परमिट है सर, सर मेरी गल सुनो, रूट क्या मतलब क्या, रूट के इनको ये पूछो कि रूट है क्या चीज है, शिकायत किससे है, पुलिस वालों से या फिर किसी से? शिकायत नहीं है मेरे को, किसी से शिकायत नहीं है, डॉक्यूमेंट पूछा, फुल डॉक्यूमेंट ना, लाइसेंस भी है, तो क्या करिए, काम ना करिए, सवारी ना गल भी नहीं करिए, परेशानी है कि पहले काले ऑटो वाले इन देना इनकी मली भगत इन करना, ये भी बोलने लगी पौधे ने, अस काम ना करिए, मतलब ई रिक्शा बंद कर दो यार, फिर पुलिस ऊपर आखा तो मिली भगत है, नहीं नहीं देखो ना, अस नहीं बोलते हैं इनकी मिली भगत है, लेकिन कहने में साढ़े कहीं भी गल करें ना, सू भी पूछन भाई तुम्हारा की इशू है महाराज, अस भी घरों काम करने ना। रोकया तुम्हें रोकिए इस करके एक बार इन्हें बोले अगे जान दो, मैं सर सवारी गल कराया, गल कर लिया तो अगर मनती है बैठ दी है, अगर एग्री होंगी तो ठीक है, नहीं होंगी तो चली जाने वापिस, वो की इशू है। कुछ नहीं किया, चाबी हुई लिया, देखो चाबी हुई थोड़ी हुई, ये क्या मतलब क्या है, तुम अगे भी रोजदा इतने फिर लग रहे, अच्छा चलने स्टेशन है, चलने स्टेशन ये तो रोड बंद हो जाए कर, तू वापस जा रहे और सर एक उन्हें रोकी लिया, पूछे कुछ जाना, गल करा दे बस, अगर एग्री होंगे तो ले आना, नहीं एग्री होंगे तो नहीं लेंगे, ये क्या। तो खैर रेलवे स्टेशन के बाहर दे ये तस्वीर न, तो खैर पुलिस डिपार्टमेंट भी इधर, पुलिस के लोग भी इधर न, तो आखना यह कि देखो जी चाबी खिंची ली। मैं सबसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या क्या सब क्या चाबी खींचने का अधिकार जो है वो पुलिस कर्मी को है? क्या इनको भी परमिशन है ना इसी रोड पे चलाने की? नहीं रोड पे जाते नहीं है। आपके पास परमिशन है? मतलब 25 साल हो गए, 25 साल के रोड पे चला, मतलब ई रिक्शा के लिए रूट नहीं है, रूट ने दिया जाते नहीं रूट भी अपने, थोड़ा ई रिक्शा रूट नहीं है, हमारे रूट केड़ा रूट है, अस चलने स्टेशन ऊपर, सानू तो किसी ने रूट दसया ही नहीं है। अच्छा कोई रूट नहीं दसया, ई रिक्शा का तुम दसो कोई परमिट है, रूट इनके को रूट है, रूट है थोड़ा परमिट, 4.5 लाख मेरी गल सुन, ये 4.5 लाख रुपया क्या वैल्यू है, परमिट की वैल्यू है, मेरी बात सुन, परमिट की वैल्यू है, और लड़ाई का, लड़ाई का हल देखो सर, लड़ाई का हल नहीं होता, यात्रु भी बाहरों आए, लड़ाई का हल नहीं होता, रात भी लड़न आ गए, मेरी गल सुनो, थोड़ा परमिट है सर, सर मेरी गल सुनो, रूट क्या मतलब क्या, रूट के इनको ये पूछो कि रूट है क्या चीज है, शिकायत किससे है, पुलिस वालों से या फिर किसी से? शिकायत नहीं है मेरे को, किसी से शिकायत नहीं है, शिकायत ये है कि ऑब्जेक्शन करते हैं, क्यों करते हैं भाई, क्यों नहीं करेंगे, क्या क्यों ना रूट भी क्यों जाते हैं, मतलब क्यों ना डीसी मैडम ने रूट दिया, इनका रूट उस साइड है, क्या डीसी मैडम ने रूट अलग बनाया और आपको यहां पर बनाया, यहां पर ई रिक्शा लोनी है, नहीं है लोन हमारे स्टैंड में थोड़ी आगे सवारी उठाएंगे, वो तो रोड है सामने, ये कह रहे हैं ई रिक्शा का रूट अलग है, ऐसा कुछ नहीं है सर, यहाँ पर हजारों रूट, हजारों ई रिक्शा चलते हैं, हमारे ई रिक्शा से इनको दिक्कत है, जो हजारों चल रहे हैं वो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर मन नहीं करते, मेरे को वो दिक्कत नहीं है, हम हमें दिक्कत नहीं आएंगे, जब आपको रूट दिया मेरी बात सुनो पहले, हम वहाँ पर भी लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है, आप सर एक मिनट के लिए सपोज करो आप सवारी रूट पे चलो, अच्छा अपना अपना काम करो, हम भी घर से कमाने के लिए आए, सुबह की बोनी नहीं की है, ये आपका तो डेली की ये यहाँ पर फिलहाल मामला है कि देखो ऑटो ऑटो ड्राइवर्स का कहना है, ऑटो ड्राइवर जो यहाँ पर है उनका उनका ये कहना है कि उनका ये कहना है कि देखिए ई रिक्शा का रूट जो है वो अलग से निर्धारित किया गया है, और जो ऑटो का रूट है वो यहाँ पर जो है वो निर्धारित किया गया है, और ई रिक्शा वाले जो हैं वो हमारे रूट पर इस तरफ आते हैं, तो खैर अब किसका रूट क्या तय किया गया है ये तो यही जाने, लेकिन
इस बीच में जो है तकरार देखने को मिलती है। अब वह बोले के दर्शन करने के लिए बहुत से श्रद्धालु यात्री यहाँ पर आए हैं और सवारी उठाने के चक्कर में जो है इस तरीके से जो है वो बहसबाजी हुई है। नहीं, मुझे ये चीज़ बताओ कि उनको दिक्कत ज़्यादातर ये है, ई रिक्शा चलता है 100 रुपये में यहाँ से रघुनाथ मार्केट, ठीक है, वहाँ पे जाने के लेते हैं 200। क्या रूट तय किया गया है ई रिक्शा का, सवाल ही है ई रिक्शा का रूट, क्या ये रूट है? नहीं, रूट तय नहीं है, मैं क्लियरली करता हूँ। देखो, क्लियरली गलती किसी की भी नहीं है, एक्चुअल में ये ई रिक्शा है, ये ई रिक्शा का रूट, ये रूट ई रिक्शा का इन्होंने रखा ही नहीं। देखो, अगर ई रिक्शा भी ऑटो वाली जगह चलेगा, एक छोटी सी बात सुनोगे, रूट किनको मिलते हैं जिनको परमिट दिया जाता है, ठीक है, परमिट होता है, परमिट पे रूट दिया जाता है बंदे को कि आपका ये स्टैंड है और उस परमिट की वैल्यू होती है, ठीक है। इनका हम मानते हैं कि आज से ये 20 साल पहले के चला रहे हैं तो इनको परमिट इशू है, हम मानते हैं। अभी साल नहीं हुआ ई रिक्शा हुए, हो सकता है आफ्टर 2 ईयर के बाद हमें भी परमिट इशू हो, लेकिन अभी नहीं है, अभी नहीं है परमिट। नहीं, मैं परमिट की बात ही नहीं कर रहा, मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ आपको कि ये जो रूट मेंशन किया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक ऑटो वाले चलाएंगे या ई रिक्शा वाले सवारी वहाँ से उठाएंगे, ऐसा कुछ मेंशन किया है? ऐसा भी कुछ मर्जी है, जो मर्जी जहाँ मर्जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ऐसे लगाते हैं स्टैंड वहाँ पे, ई रिक्शा वाले वहाँ पे लगाते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर देखो सर, अगर सवारी यहाँ पे ना मिले तो रुकना तो मेरे को भी वहीं पे है, एक स्टैंड पे ही रुकती है ना सवारी। अब आप रास्ते में रुके हो तो आप पहले क्या करोगे, स्टैंड पे आओगे कि मेरे को रास्ते में रोकोगे, ये चीज़ बताओ पहले। आप ही यहाँ पर खड़े हो, आपको जाना है कहीं, तो आप, मैं आपके पास से जा रहा हूँ खाली, आप मेरे को नहीं रोकोगे? इस कांस्टेबल ने आपकी चाबी छीनी। हाँ, वो छीनी, उसने तोड़ दी चाबी, वो दे भी दी उन्होंने हालात समझ लिए, उन्होंने दे भी दी वापस, कोई इशू नहीं किया। पर कहने का मतलब ऐसे हरास तो नहीं करना चाहिए ना किसी को। तो मामला यहाँ पर ई रिक्शा और जो ऑटो रिक्शा चालक है उनके बीच में हुआ, और देखिए जो भी है मामला दोनों तरफ की सुनी जाती है, उसके बाद सलूशन निकाला जाता है, लेकिन आखिरकार कौन अधिकार देता है इस तरीके से, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे वो ट्रैफिक विभाग के लोग हों, किसी की चाबी खींचने का अधिकार क्या इनके पास है? आप लोग अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। देखते रहिए चलमान इंडिया, राहुल खत्री, नमस्कार।